जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो हमें 13 रजिस्टर बनाने के लिए कहे गए हैं विद्यालय में, उसका दूसरा रजिस्टर आय व्यय और चेक इशू पंजिका के बारे में बात करेंगे। पहले इन्हें अलग अलग बनाना होता था, लेकिन अब इन्हें कंबाइन कर दिया है और इसमें 3 भाग हैं। पहले में MDM, फिर SMC और अन्य। विद्यालय से संबंधित पैसे का, वित्तीय लेन देन का किस प्रकार विवरण हमें अंकित करना है, इस रजिस्टर में आज हम यही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका में विद्यालय में विभिन्न मदों से प्राप्त आय एवं व्यय का विवरण अंकित किया जाएगा। इस पंजिका को 3 भागों में विभाजित किया गया है, MDM, SMC और अन्य। MDM, SMC तथा अन्य मदों से संबंधित आय व्यय का विवरण पंजिका के संबंधित भाग में अंकित किया जाएगा। प्राप्त धनराशि विवरण वाले भाग में प्राप्त धनराशि का विवरण, बैंक विवरण, प्रेषणकर्ता तथा मद का नाम लिखा जाएगा। व्यय धनराशि विवरण वाले भाग में व्यय धनराशि, चेक संख्या, कार्यदायी संस्था का नाम, व्ययकर्ता का नाम व हस्ताक्षर अंकित किया जाएगा और प्रधानाध्यापक द्वारा भी यथास्थान पंजिका में हस्ताक्षर किए जाएंगे। आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका, जिसमें कुल 106 पेज हैं और इसमें 3 भाग हैं, तो सबसे पहले हमें अपने विद्यालय का नाम, विकासखंड, जनपद और यूडाइस कोड लिखना है। उसके बाद सबसे पहला भाग है आय व्यय चेक इशू पंजिका में, कि सबसे पहले है MDM। MDM में पहला पेज है कि क्रम संख्या, दिनांक, प्राप्त धनराशि और धनराशि का विवरण कि किस मद में हमें धनराशि प्राप्त हुई है। इसके बाद दूसरी तरफ पेज है कि व्यय हमने किस मद में किया है, इसमें भी व्यय तिथि, चेक संख्या, व्यय धनराशि, कार्यदायी संस्था, संबंधित पक्ष का नाम, व्ययकर्ता का नाम, अभियुक्ति, अवशेष धनराशि का विवरण और प्रधानाचार्य के अध्याय हस्ताक्षर। इसमें खाता कैसा है, खाता संख्या और बैंक का नाम ऊपर लिखना है और सत्र का नाम, वर्ष कौन सा चल रहा है। इसके लिए इसमें पेज नंबर 36 तक MDM के लिए दिया गया है। इसके बाद पेज 38 से आते हैं तो ये SMC के लिए शुरू हो जाता है। सेम प्रकार का बना हुआ है बिल्कुल, बस अब SMC में जो भी हमें धनराशि प्राप्त हो रही है उसके बारे में लिखना है। इसके बाद व्यय धनराशि में भी सेम वही कॉलम है, बस इसमें व्यय तिथि, चेक संख्या, धनराशि, संस्था का नाम, व्ययकर्ता का नाम, अभियुक्ति, अवशेष धनराशि का विवरण और प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर, बैंक का नाम, शाखा, वर्ष, खाता संख्या, खाता प्रकार, सब उसी प्रकार का है, कोई भी अंतर नहीं है। बस इसमें हमें उनका ही विवरण देना है जो SMC खाते में पैसा आ रहा है और हम किस मद में उसे खर्च कर रहे हैं। इसके बाद पेज नंबर 67 तक SMC का दिया गया है। पेज नंबर 68 से कोई किसी अन्य मद में हमने पैसा प्राप्त किया या हमने पैसा खर्च किया, कॉलम वही है, बस विवरण इनका तीसरे भाग में देना है, जहाँ अन्य का भाग का नाम दिया गया है वहाँ पर हमें उसका विवरण देना है। कुल टोटल 106 पेज हैं। लास्ट पेज पे वही प्रेरणा लक्ष्य दिए गए हैं हिंदी के और गणित के।